हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ में एक और प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और वो प्रोडक्ट है ये है स्टे क्विर्की का बैडेस काजल। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया है purple.com से, और इस प्रोडक्ट की जो MRP है वो है 125 रुपीज, बट वहाँ पे सेल वगैरह चलती रहती है, तो आपको ये आराम से 90 से 100 के बीच में मिल जाएगा। मुझे ये प्रोडक्ट 94 रुपीज का मिला है, इसे भी मैंने सेल पे परचेज किया था, और मैंने जो पर्पल हॉल आप सबके साथ में शेयर किया था लास्ट, उसी में ही मैंने ये प्रोडक्ट मंगाए थे। एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट उस हॉल में दिखाया था, और मैंने ये कहा था कि मैं एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करूंगी। सो आज मैं इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें, तो ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे इसी तरीके से रिसीव हुआ था। इसकी कोई आउटर पैकेजिंग मुझे नहीं रिसीव हुई थी। इसके ऊपर बस एक प्लास्टिक का रैप था जो मैंने निकाल दिया है। सो इसकी MRP मैंने आपको बता ही दी है, 125 रुपीज इसकी MRP है, और ये आपको सेल में कम के भी रिसीव हो जाएंगे। बट ये 125 रुपीज में आपको जो क्वांटिटी दे रहे हैं वो 0.25 ग्राम की दे रहे हैं। और अगर बात कर ले कि जो स्टे क्विर्की है वो इस काजल को लेके क्या क्लेम कर रही है, तो उनका कहना है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्मज प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है तो होगा, मानते हैं। बाकी स्मज प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं वो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको ये रिसीव होगा काजल, ये आपको ऐसे रेक्टेंगुलर उसमें रिसीव होगा, और ये इसमें आपको शार्प अप करने की कोई टेंशन नहीं है। बस इसको आप रोटेट करिए और आपको इतना प्रोडक्ट इसमें रिसीव होगा। सो ये बहुत अफोर्डेबल काजल है, बहुत अच्छा काजल है। अगर हम ये देखें कि कोई सस्ता हमको काजल चाहिए, और किसी ब्रांड का भी होना चाहिए, तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको जरूर लेना चाहिए ये। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो ब्लैक है वो कैसा है, मतलब जो बोलते हैं जेड ब्लैक वो है, या फिर बस ऐसे ही हल्का सा है, वो देख लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका, ये सिंगल स्ट्राइक में इतना निकला है इसका, ठीक है ये। सो ये काजल जो है ये बहुत बिल्कुल जेट ब्लैक जिसको बोलते हैं ना, ये वो वाला है। और ये जो है ये ड्राई होने के लिए 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम लगता है। ये जब अपने आप को पूरा सेट कर लेता है, पूरा ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद आप इसको बिल्कुल भी स्मच नहीं कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हम इसको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये वाटर टेस्ट वगैरह सब करके दिखाती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, अब हम देखते हैं कि ये स्मच करता है कि नहीं। ये बिल्कुल भी स्मज नहीं कर रहा है, अब देखिए मैं कितनी जोर से इसको रगड़ रही हूँ, बट फिर भी ये बिल्कुल भी स्मज नहीं कर रहा है। अब देखिए, पास से देख लीजिए। सो ये स्मज तो नहीं करता है, ये तो इनका ठीक हुआ है, मतलब जो ये क्लेम कर रहे हैं कि स्मज प्रूफ है, तो एक्चुअली ये ठीक है, स्मज नहीं कर रहा है। अब हम देख लेते हैं ये वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं। सो ये रहा पानी, अब इस पे पॉर करती हूँ पानी को। सो ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, देखिए अब मैंने इसके ऊपर वाटर को डाला तो ये बिल्कुल भी ब्लीड नहीं किया है। अब हम देख लेते हैं कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। ये वाटर प्रूफ भी है, देखिए ये बिल्कुल भी पानी के साथ अगर मैं इसको रगड़ रही हूं तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। अब देखिए, सो आप देख ही सकते हैं कि ये स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, और ये क्लेम करते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। सो गाइज, यही था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेके। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।